नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हमारी आज की न्यू पिकअप कार्ड रीडिंग है कि आपका रियूनियन कब होगा। सो ये रियूनियन किसी के साथ भी हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से सेपरेटेड हैं, हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम से सेपरेटेड हैं, या आपने किसी कार्मिक पार्टनर से सेपरेटेड है जिसके साथ आप वापस से मिलने का वेट कर रहे हैं। सो ये कोई भी हो सकता है कि कब वो आपके पास दोबारा आएंगे और कब आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी, या फिर कब आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। सो हमारे पास तीन ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर वन पे है 1919 एंजल नंबर, जो नंबर है कम्प्लीशंस और न्यू बिगनिंग का। ऑप्शन नंबर टू पे हमारे पास ओम, ये सिंबल है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का। ऑप्शन नंबर थ्री पर है हमारे पास 9797, सो ये नंबर भी है पावरफुल कम्प्लीशन एंड द पावरफुल मैनिफेस्टेशन का नंबर है। सो आपको इन तीनों में से जो भी ऑप्शंस पसंद आ रहे हैं आप उन्हें चुनिए, उस पर्सन के बारे में सोचिए, या फिर 5 मिनट्स इन पाइल्स के ऊपर मेडिटेट कीजिए। जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ खींच रही हैं, आप उसे चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने 1919 को चुना है कि आपका रियूनियन कब होगा, सो यहाँ पे जिन्होंने भी 1919 को चुना है, आपके लिए पहला कार्ड है द लाइफ पर्पस। आप एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप में हैं, यानी कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसका कोई पर्पस है। आपको इस रिलेशनशिप के पर्पस की तरफ जाना चाहिए, यानी कि आप किसी सोलमेट कनेक्शन में है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, आप दोनों का साथ में एक पर्पस है। एक पर्पस है कि आप अर्थ के लिए काम करेंगे। आप अर्थ के लिए कैसा भी काम कर सकते हैं, इस यहाँ पे ह्यूमैनिटी के लिए, ट्रीज के लिए, प्लांट्स के लिए, स्ट्रे डॉग्स या एनिमल्स के लिए, या किसी को हीलिंग करने के लिए, तो कोई भी आपका एक पर्पस है जो टुगेदर है। सो ये एक पर्पसफुल रिलेशनशिप है कि इस रिलेशनशिप का आप दोनों का टुगेदर पर्पस है, आपका एक सोल पर्पस है। नेक्स्ट जो कार्ड आया है मेरे हाथ में, लेमन बल्ब यानी कि जुपिटेरियन कार्ड है। सो ये जो रिलेशनशिप है ये एक बहुत ही पावरफुल रिलेशनशिप है। आप में से बहुत से लोगों का ये स्टार सीड कनेक्शन है, और आपसे कुछ लोगों का ये सोलमेट कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए स्टार सीड कनेक्शन है। सो इस रिलेशनशिप का मेन जो पर्पस है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग साथ रहें या आप दोनों की शादी हो या बच्चों, इस रिलेशनशिप का एक बहुत ही बड़ा पर्पस है कि आपको अर्थ के लिए काम करना है, आपको ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। सो बेस्ट चीज़ ये है कि आप इस रिलेशनशिप के पर्पस की तरफ फोकस करें, क्योंकि अगर आप सोल कनेक्शन में है तो सबसे पहले आपको अपनी खुद की सोल पे फोकस करना होगा, अपनी खुद की सोल के साथ रियोनाइट होना पड़ेगा, अपनी खुद की आत्मा को डीप लेवल पे हील करना पड़ेगा, तभी ये कनेक्शन वर्क करेगा, अदरवाइज कनेक्शन वर्क नहीं करेगा। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। तो इस रिलेशनशिप में बहुत सारे डेंजर और ऑब्स्टिकल्स हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप को बहुत सारे डार्क फोर्सेस ने जो टारगेट कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप पे ब्लैक मैजिक अटैक होते रहते हैं। इस वजह से आपका इस पर्सन के साथ एक रीयूनियन बार बार डिले और प्रोकास्टिनेट हो रहा है, और यहाँ पर आपको सेफ रहना है। यू एंड योर लव वन इज सेफ्ड, यानी कि सेफ्टी का ध्यान रखना है। इस रिलेशनशिप खतरे में रहता है हमेशा, एक रेड फ्लैग्स है, यानी कि बहुत से लोग आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक, साइकिक, एस्ट्रल अटैक हो रहे हैं, कुछ अटैक्स दूसरे डायमेंशन से भी हो रहे हैं, तो कंटिन्यूसली इसकी वजह से आपको प्रोकास्टिनेशन रह रहा है। तो आपको एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनानी है और इन अटैक्स को रोकना है। दूसरा जो रीज़न है, रीचिंग आउट टू यू। सो ये पर्सन आपके पास डेफिनेटली आएंगे, लेकिन तब आएंगे जब आप अपनी ज़िंदगी के पीक लेवल पे होंगे। आपका रियूनियन तभी होगा जब आप एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में है, इमोशनल मैच्योरिटी में, मेंटल मैच्योरिटी में है, यानी कि आप जब अपनी ज़िंदगी के सबसे पावरफुल या सक्सेसफुल पोजीशन पे होंगे, तब आपका इस पर्सन के साथ रियूनियन होगा। यानी कि अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि आप इतने ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में होंगे कि लोग आपसे कंसल्टेंट लेने के लिए आ रहे हैं, या आप कोई चेयर पर्सन हैं, आपके पास कोई बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत बड़ा बिजनेस है, या आप कोई फेमस हैं, सेलिब्रिटी हैं, आप एक बहुत ही मैच्योर लेवल पे होंगे, यानी कि एक बहुत ही स्पिरिचुअली मैच्योर, मेंटली और इमोशनली मैच्योर लेवल पे, एक फाइनेंशियली आप स्टेबल होंगे, उस स्टेज पे जाके आपका इस पर्सन के साथ रियूनियन होगा। तो कुछ लोगों के लिए ये 8 मंथ्स का टाइम है कि आने वाले 8 मंथ्स के अंदर अंदर आपका रियूनियन हो जाएगा। अगर आप 8 मंथ के अंदर अंदर इस लेवल पे, इस मेचोरिटी वाले लेवल पे पहुंच गए, और आपको इस रिलेशनशिप का जो डीप सोल पर्पस है वो समझ में आ गया, तो विद इन 8 मंथ्स आपका इस पर्सन के साथ परमानेंट रियूनियन हो जाएगा।
सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है। अगर आपको मेडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है यानी कि ओम के सिंबल को चुना है, तो सबसे पहले इसके अंदर वाला ही देख लेते हैं। सो आपके लिए सबसे पहला मैसेज ही यही है, ट्रू लव इज बेस्ड ऑन ट्रू फ्रेंडशिप, बेस्ट फ्रेंड्स माय फ्रेंडशिप गोस एंड लव गोस ब्लॉसम। सो सबसे पहले आपकी जो रिलेशनशिप का जो बेस है वो फ्रेंडशिप है। अगर आप इस पर्सन के साथ फ्रेंड की तरह कनेक्ट रहेंगे तो ही ये रिलेशनशिप आगे की तरफ बढ़ेगा। सो ये रियूनियन की एनर्जी है, तो यहाँ पे आपका रियूनियन तब होगा। इनर पीस, आपको अपने दिमाग को शांत करना होगा। अगर आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ रियूनाइट करना तो अपने दिमाग को करिए ठंडा, क्योंकि जब तक आपका दिमाग ठंडा नहीं होगा, शांत नहीं होगा, आपका इस पर्सन के साथ रियूनियन नहीं होगा। अगर आप कंटिन्यूसली ऑब्सेसिवली इस पर्सन के बारे में सोचे जा रहे हैं या इसको मिस कर रहे हैं, कंटिन्यूसली इनकी डीपी प्रोफाइल देख रहे हैं या फिर हर दिन सिर्फ यही सोच रहे हैं कि कब मैं इनसे रियूनाइट होंगी, तो आपका इनसे रियूनियन नहीं होने वाला। आपका इनके साथ रियूनियन तब होगा जब आप एकदम शांत होंगे, आप अपनी ज़िंदगी में फोकस होंगे, खुश होंगे, सेटिस्फाई होंगे। जैसे कि इस लड़की को देखो, ये पार्क में बैठ के पिकनिक बना रही है और अपने खुद की किताब पढ़ रही है या अपने खुद के नोट्स बना रही है। इसके पास बहुत सारी नॉलेज है और इसका फोकस ना ही किसी का इंतज़ार कर रही है, ये बस अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। तो जब आप इस लेवल पर पहुँचेंगे तब आपका रियूनियन होगा, तब ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे। शशि सेंड्रा, सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। जैसे कि दो स्वेंस आपका रिलेशनशिप का सिंबल हो सकता है, टू वाइट स्वेन। सो ये जो स्वेन था इस स्वेन को छोड़ के चला गया, लेकिन अब ये इसके पास वापस आ रहा है। और किस स्टेज में वापस आ रहा है, जब ये पूरी तरीके से शांत है इस स्टेज में। दूसरा जो है द हीलिंग कार्ड, सो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हील करना है। देर इज सो मच हीलिंग, और हीलिंग होने में हमेशा टाइम लगता है। हीलिंग टेक्स अ टाइम, हीलिंग यहाँ पे आपकी धीरे धीरे हो रही है। दूसरा जो कार्ड है रिट्रीट, और यहाँ पे हार्ट चक्र का कार्ड है। तो इस पर्सन ने आपका पहले दिल तोड़ा है, या आपके पास बहुत से ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे आपका दिल टूटा है। सो इस वजह से आपको नर्वस अटैक भी आते हैं इस रिलेशनशिप की तरफ से, यानी कि आपकी सडन हार्ट बीट बढ़ जाती है या बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। सो ये सारे रीजंस हैं। सो यहाँ पे हील करना है आपको, अपने आपके अंदर जितने भी वूंड्स हैं, इमोशनल और मेंटल वूंड्स हैं, यू हैव टू हील योरसेल्फ। सो आपको बहुत ज़्यादा हील करना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा हीलिंग करनी है। दूसरा जो कार्ड है इन्जॉय द टाइम, सो ये जो टाइम है आपको इन्जॉय करना है। ये जो प्रेजेंट आप सेपरेशन स्टेज पे चल रही है, इस टाइम को आप रात दिन उसके बारे में सोचकर बेस नहीं करना है, आपको इन्जॉय करना है इस अकेले में। ये पूरा टाइम आपके आइसोलेशन के लिए है, तो ये आइसोलेशन वाले टाइम को आपको इन्जॉय करना है, अपना फोकस अपनी हीलिंग पे लगाना है, अपने काम पे लगाना है, अपनी लाइफ में लगाना है। और जब आप इस पर्सन को पूरी तरीके से छोड़ देंगे तब ये सडनली आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। सो एस ऑफ डायमंड्स, आपका जो रियूनियन का कोई टाइम ही नहीं है, बहुत ही सडन होने वाला है। सडन इस पर्सन का कॉल या मैसेज आने वाला है। एंड द मून कार्ड, अगेन सडन। तो मून की एनर्जी बहुत ही फास्ट होती है। मून एक राशि में सिर्फ 2.5 दिन ही रहता है, और मून की जो वैसे साइकिल है वो सिर्फ 15 दिन की होती है। सो ये पर्सन विद इन अ 15 डेज में, या विद इन अ 2.5 डेज में, या फिर किसी भी ऐसे टाइम में जो बहुत ही सडन या सरप्राइज देने वाला टाइम है, तो एक ऐसे टाइम में आपका रियूनियन होगा जब आपको बिल्कुल भी इसको मतलब याद ही नहीं होगा कि आपको रियूनियन भी करना है। और आप अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा खुश या सेटिस्फाई होंगे कि आपके दिमाग को ये थॉट ही नहीं होगा, और सडनली ये पर्सन आपके बारे में आपके पास वापस आ जाएगा। सो अगर आप इनके साथ रियूनाइट करना चाहते हैं तो इनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, इन्हें देखना छोड़ दीजिए, और अपना पूरा फोकस अपनी तरफ लगाइए। जैसे ही आपने ऐसा किया आपका रियूनियन इमीडिएटली हो जाएगा। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चूज किया है, यानी कि 9797 को, आपका जो रियूनियन है वो कब होगा। सो जिन्होंने आपके 9797 को चूज़ किया है, सबसे पहला कार्ड है उनके लिए फॉरगिवनेस। आपको माफ़ करना होगा जो आपके लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आपने इस पर्सन से रिलेटेड बहुत सारी बातें, चीज़ें, मेमोरीज अपने अंदर स्टोर करी हुई है।
इस पर्सन ने या तो आपको धोखा दिया, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चुना है, या बहुत कुछ ऐसा कहा है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। इस पर्सन ने मे भी बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक बिहेवियर किया है, गैस लाइट किया है, बहुत सी ऐसी चीज़ें करी जिससे आपको बहुत तकलीफ पहुंची है इस रिलेशनशिप में। तो पहला कहानी है फॉरगिवनेस, कि आपको इस पर्सन को माफ़ करना होगा, रेडी टू फॉरगिव। नेक्स्ट जो कार्ड है वो नाइट ऑफ वांड्स का है। तो ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं बहुत तेजी से, आपके पास वापस आ रहे हैं। नाइट ऑफ वांड्स का जो टाइम फ्रेम होता है वो सिर्फ 11 दिन का होता है और फायर की एनर्जी में होता है। तो ये पर्सन विद इन 11 डेज आपसे कांटेक्ट करेंगे और ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, और आपको इन्हें माफ़ करना होगा, और वो भी दिल से माफ़ करना होगा, क्योंकि ये आपके ट्रू लव कनेक्शन में है। ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ऐसा प्यार जो दुनिया में कोई भी आपसे नहीं कर सकता। अगर आप किसी और को भी चुनेंगे तो हो सकता है आप उनके साथ एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में रहें, अच्छी मैरिज लाइफ जिए, लेकिन जो प्यार ये पर्सन आपसे करते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ये आपसे। दूसरा जो कार्ड है द एंजल ट्रम्पलेंट द डेथ कार्ड। सो यहाँ पे आपको डेथ एंजल की तरफ से गिफ्ट मिलने वाला है। दिस इज अ गिफ्ट जो डेथ एंजल की तरफ से आ रहा है। सो ये पर्सन किसी बड़ी चीज़ को ख़त्म करके आपके पास आ रहे हैं, समथिंग बिग। ये किसी कार्मिक रिलेशनशिप को ख़त्म करके आपके पास आ रहे हैं, या फिर अपने किसी एडिक्शन या इमोशनल कोडिपेंडेंसी को पूरी तरह ख़त्म करके आपके पास वापस आ रहे हैं। ये पर्सन चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी के साथ आपके पास वापस आ रहे हैं। ये पर्सन बदल चुके हैं, चेंज और फोकस, लेकिन आप अभी भी उन्हें एक ही नज़र से देख रही हैं, इसलिए आपको चेंज नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस पर्सन का फोकस आपकी तरफ है, ये बदल चुके हैं, तो आपको भी इन्हें देखने का नज़रिया बदलना होगा। विन विन आउटकार्ड। सो ये रिलेशनशिप डेफिनेटली बहुत बड़े सक्सेस की तरफ जा रहा है, बहुत बड़ा सक्सेस है आपका इस रिलेशनशिप में। द जे यानी कि जोकर कार्ड, बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा आपको इस पर्सन की तरफ से, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते आपको इतना बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है इस पर्सन की तरफ से, कि सडन ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और सडनली ये सब कुछ बदल देंगे। देयर इज अ बिग सरप्राइजेस कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन साइड। तो ये आपके पास सडनली वापस आने वाले हैं, सडनली आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। सो विद इन 11 डेज का आपके लिए टाइमिंग है, या फिर उससे भी जल्दी, या कोई बहुत ही सरप्राइज देने वाला आपके लिए टाइमिंग है आपके रियूनियन का। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।